के हालात के हिसाब से आज की जो कैंपेनिंग है बहुत अच्छी रही माशाल्लाह, क्योंकि भागरगा रोड, आज़ादपुर रोड, टीपू चौक, चुन्ना भट्टी, और लोग अपने दिल से जुड़ रहे, कोई कमिटमेंट नहीं पैसों का, कुछ नहीं कहने, अपने आप आकर जुड़ रहे कि आपका जो माहौल वो ज़रूरी है, नासिर हुसैन उस्ताद को जिताना है बोलकर अपने दिल से आकर जुड़ रहे। नमस्कार गैरे, ना उत्तर मत क्षेत्र नम महाजन नमस्कार। इवत नॉर्थ कैंडिडेट एम एल ए आग हणहणी नड़दे इे यहाँ परगण कड़े 5 वर्ष यहासवू नम मैडम कांग्रेस पक्षद इलीवू यहासू आगंत ना यहाँ हेसू हेल्ता और कमरुल इस्लाम मिसेस सिंपति मेले 5 वर्ष को आरस निरीक्षे एलू इटू आरक्ष मेले इवर साबीत अदी नमे कैंडिडेट बेताड़े हमवर आमले नम लोकस राज्यसभा हि नम कष्ट अली हिड़ू नम बे होराड़ू बेचारे इवते अदी उत्तर मत क्षेत्र एला महाजनते ननती पूर्वक ऐन निम्म वोटु अमूल्यवाद बहुत अमूल्यवाद अदी मूर् नंबर बटन मेले हाकि नाशिस्तवे बहुमत गेल्तर नमल कड़कड़िया विनती। नॉर्थ के लिए नासिर हुसैन उस्ताद की बहुत ज़रूरत है, आपके वोटों की अहमियत बहुत ज़्यादा है, मेहरबानी करके नासिर हुसैन उस्ताद को जिताने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमर साहब के बाद अगर कोई अच्छा लीडर है नॉर्थ में या गुलबर्गा सिटी में नासिर हुसैन उस्ताद हैं, हर मामले में वो आपके साथ आके खांदे को खांदा लगा के ठहरते हैं। कनीस फातिमा कुछ भी जो है इशू हो गया तो सीधा बेंगलुरु नहीं तो हैदराबाद निकल जाते हैं। मेहरबानी करके आप अपने वोटों की अहमियत समझिए, डालिए। लास्ट टाइम पे जब रमज़ान का परेड था, बच्चों को जो है इफ्तारी लाने के लिए बहुत तकलीफ़ हो रही थी, नासिर हुसैन उस्ताद बस स्टैंड के सामने रोड पे स्ट्राइक करके वो एक अच्छा काम करे कोरोना के परेड में, और इसमें रमज़ान में जो है मुस्लिम चौक पर भी हंगामा हुआ, नासिर हुसैन उस्ताद पहुँच के वहाँ पर मामले को सीधा किए हैं। मेहरबानी करके आप अपने वोटों की अहमियत समझिए और नासिर हुसैन उस्ताद को लाने की कोशिश कीजिए। चौक फिरदौस कॉलोनी से आज एक अजीब व शान रैली निकाली गई जेडीएस पार्टी की तरफ से, और इसमें हमारे खदीर भाई बिल्डर और नासिर हुसैन उस्ताद साहब और हमारे फयाज साहब सना होटल और हमारे ख्वाजा भाई पल्ला और हमारे वार्ड नंबर 16 के अनवरप्पा और हमारे 15 के डिफेक्ट कारपेंटर अहमद भाई केबल, ये पूरे लोगों के साथ एक बड़ी रैली निकाली गई। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तादाद में आज लोग नासिर हुसैन उस्ताद के सपोर्ट में रैली निकाली गई और फुल से सपोर्ट मिल गया है। इंशाल्लाह ऐसी ही कामयाबी अगर हमको मिलती गई तो इंशाल्लाह 10 तारीख को हम पोलिंग के दिन वोट फुल अच्छा करके ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करके हम इंशाल्लाह नासिर हुसैन उस्ताद को हम जिताएंगे और अपना कीमती वोट नासिर हुसैन को देंगे हम इंशाल्लाह। आगे आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप अपना कीमती वोट नासिर हुसैन उस्ताद, उनका जो निशान है भारे वाली औरत, उसको वोट देकर आप अपना कीमती वोट कामयाब बनाइए। इंशाल्लाह 3 नंबर उनका निशान है वोट का, वोट डालिए, यही आपसे गुजारिश करते हैं अलहमदिल्ला है, क्योंकि बदलाव की ज़रूरत है और हमारे डेवलपमेंट की ज़रूरत है। इंशाल्लाह आगे हालात बहुत ख़राब होने वाले हैं, इंशाल्लाह ये हालात को देखते हुए एक औरत की हम दायित्व नहीं करते, इसलिए हम एक मर्द आदमी की क़यादत एक अलग ही होती है हमारे को इंशाल्लाह। आप लोग यहाँ पे नासिर हुसैन उस्ताद के मोहब्बत में जमा हुए हैं, क्योंकि आप लोग 5 साल में देख रहे हैं कि 5 साल में हम नासिर उस्ताद एमएलए नहीं थे, 5 साल में एमएलए नहीं रहकर भी आप लोगों का काम किए लो। हिजाब के मामले में NRC के टाइम पर गोश्त की दुकान बंद हो गई, और रिसेंटली मुस्लिम चौक पर आप लोग फेसबुक पर देखे ना, मैडम तो नहीं एमएलए थे प्रेजेंट, नासिर हुसैन उस्ताद एमएलए नहीं रहकर भी आप लोगों के 5 साल से काम करते आ रहे। 1000 रुपये में और 10 किलो चावल में बिकना नहीं आप लोग,
ये बार सोच समझ करके, 5 साल से आप लोगों के बीच में कौन है और कौन किस तरह से काम कर रहा है वो सोच समझ कर वोट करना आप लोगों का काम है। ये बार लड़ाई नासिर हुसैन उस्ताद की नहीं है, हमारे सबके घरों की लड़ाई है। NRC का मामला था, शाहीन बाग में आप सब लोग बैठे थे। हमारा मुल्क है, हम जिस देश में पैदा हुए, क्या कागजात बताना ज़रूरी है लोगों को? ये हमारा देश है, हमारा पैदाइशी मुल्क है, ये कागज़ बताना हमारे जुम्मे, हमारा ये नहीं है हम बताना, बल्कि हमारा राइट्स है यहाँ पे हमारा रहने का और हमारे हक की आवाज़ उठाने के वास्ते एक शख्स को असेंबली में भेजना बहुत ज़रूरी है। अलन का मामला जो हुआ, इसमें से बहुत सारे लोग हैं सोशल मीडिया यूज़ करते, अलन में जो इशू हुआ, जो गुलबर्गा में होने देर लगता क्या? नहीं लगता, इसके लिए एक आदमी होना बहुत ज़रूरी है। NRC का जब एलन का जो मामला हुआ जगत सर्कल पर, हम लोग सब लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट करे थे। अगर नासिर हुसैन उस्ताद वहाँ पे फेस नहीं करते तो हम लोग वहाँ पे भी लाठी चार्ज होने का मामला था, वहाँ पे भी बहुत सारे लोग अरेस्ट हो सकते थे, क्योंकि वहाँ पे एक मर्द खाए था। उन्होंने हार कर भी जब इतने सारे हर चीज़ को जब फेस कर रहे तो जीतने के बाद तो कंपल्सरी करते ही करते, इसलिए ये बार क्या है आप लोग सोच समझ कर वोट देना है। और नासिर हुसैन उस्ताद जीत कर आने के बाद भी जो संघ चलाते ना, जो संघ लिए सो लोग रहते, उनका संघ माफ़ करने की ये करे सो है वो लोग। और 5 सिलेंडर, 1 साल में 5 सिलेंडर फ्री देने वाले हैं और बच्चों को फ्री एजुकेशन देने वाले हैं जो LKG से 12th तक। और जो ऑटो रिक्शा है, जो ड्राइवर ऑटो चलाते हैं जिसके पास लाइसेंस है, उनको मंथली 2000 रुपये देने वाले हैं। और ट्रीटमेंट के लिए बड़े अच्छे हॉस्पिटल्स बनाने का वादा करे हैं कुमार स्वामी। हम अपने कायद को जिताना है, लीडर तो बहुत सारे लोग रहते, मैं समझती हूँ कि गुलबर्गा में बहुत सारे लीडर्स हैं, हर घर में लीडर हो गए आज तो। हम लीडर की ज़रूरत नहीं है, हमारे को एक कायद की ज़रूरत है जो 5 साल में हमारे बीच में रह कर रहे, जो जीत कर लॉक डाल कर बेंगलुरु में हूँ, मैं हैदराबाद में हूँ, मैडम नहीं है, मैडम सो रहे, ऐसे गूंगे और बहरी क़यादत हमारे को नहीं होना।